क्या कर रहे हैं? मेरी पत्नी भी नहीं है, दुनिया को छोड़कर चली गई। अकेले बड़ी तकलीफ हो रहा है। बेटा अकेले है, कैसे करेगा, घर भी कैसे चलाएगा? बाबू। हाँ पापा। क्या कर रहा हो? ऑफिस के लिए तैयार हो जा पापा। थोड़ा ना बस सुनो मेरा बात। देखो तुम्हारी मम्मी भी गुजर गई, हम अकेले हो गए, हम घर को संभाल नहीं पाए बाबू। बड़ा मुश्किल हो रहा है हमको घर को संभालना। देखो सारा जिम्मेवारी अब तुम्हें संभालना पड़ेगा। चिंता मत करो पापा, अब जो भी काम हो मैं सब तुम्हें को देखना है। पापा आपका दवाई मिला दे रहा हूँ। पापा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये दवाई आप लेते रहिएगा, ठीक है? हाँ। पानी आपके हैं? ठीक है, हम दे देंगे। टाइम भी हो जा रहा है, ऑफिस में इतना सारा काम भी है, पापा भी अभी तक दवाई ले रहे होंगे नहीं, पापा का भी याद आ रहा है क्या कर रहा होगा, काम करे क्या कर रहा होगा, समझ में आता है काम देखिए कि पापा को। इतना देर हो गया, मेरा बेटा अभी तक नहीं आ रहा ऑफिस से छुट्टी होके, इतना सारा काम पड़ा हुआ है घर में, बहुत दिक्कत हो रहा है एकदम काम करने में। मेरा तबीयत भी खराब है, चक्कर भी आ रहा है। पापा आप, ओह माय गॉडनेस, पसीना भी आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? पापा उठिए ना, आँख खुली ना पापा, पापा उठिए ना, बस सीट डॉक्टर के पास ले जाना होगा मेरे को। कैसे? इनको ब्रेन हेमरेज हुआ, काफी खर्चा पड़ेगा। पापा कितना? 1 लाख से ज्यादा ही है। अच्छा ठीक है, आप लोग ऑपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, हम इलाज जारी करते हैं, आप ठीक है। इतना बड़ा ऑफिसर बनने के बाद भी, इतना सैलरी मिलने के बाद भी पैसा ही नहीं बच रहा है, पूरा पैसा पापा के इलाज में खर्चा हो जा रहा है, काम भी बहुत सारा करवाना है, मुझे समझ नहीं आता है कैसे करें। पूरा पैसा चल जा रहा है पापा के खर्च में, भी नहीं पैसा बच रहा है, पूरा सैलरी भी पूरा चल रहा है पापा के खर्च में।
जय मसीह के दोस्तों, जैसे कि आपने स्किट में देखा कि एक ऑफिसर रहता है और काम करता है और उसको उचित मूल्य भी मिलता है, पर दोस्तों जैसे जैसे ही उसका सैलरी आता है वैसे उसके पापा का बीमारी बढ़ते जाता है और बीमारी की वजह से वो उसका सारा काम का पैसा अपने बाप पे ही लुटा देता है। वैसे ही मेरे दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसे कई सारे ऐसे काम करते रहते हैं और हमारे पास पैसा रहता है, पैसा रहने के बाद भी हम आश्वसित नहीं रहते हैं क्योंकि हमारा मन शारीरिक और सांसारिक बातों में लगा रहता है, प्रभु की ओर नहीं लगा रहता है। इसलिए हम लोग जो भी काम करते हैं सब ऐसे ही डॉक्टर के पास जाके या तो ऐसे ही मेडिसिन ले लेके पैसा खर्चा हो जाता है पर नहीं बचता है। पर दोस्तों मैं इस स्किट के द्वारा मैं आप लोगों को समझाना ही चाहता हूँ कि हम जो भी काम करते हैं सबसे ज़्यादा हम लोग परमेश्वर की ओर मन लगाएं, ना कि हम अपने कामों पर, ना कि हम पैसों पर। जय मसीह की।